लेकिन अच्छा रिस्पांस के साथ साथ जो है कुछ लोगों का, बहुत ही कम परसेंट है उन लोगों का जो हेट फैला रहे थे। कोई कह रहे थे कि आप जो है दिखावा कर रहे हो, दिखावा करने के लिए वीडियो डाल रहे हो। जो लोग जिस तरह के होते हैं उनकी सोच भी उस तरह की होती है कि तुम लोग इतना ज्यादा कमाते हो, गरीब को थोड़ा सा दान भी कर दिए होते। आज तक तो नहीं देखा कि तुम लोगों ने गरीब को दान किया है। तो हम लोग जी कंबल वितरण करके आ गए हैं, गाड़ी पार्क किए और यहाँ पर देख सकते हैं क्यूट सा बच्चा है। अभी गोदी में नहीं आना चाह रहा है। ये देखे, ओए बाबू, एकदम क्रियांश जैसा है ये। हाँ हाँ, बदमाशी में। तो दो दो बच्चा है यहाँ पर। अच्छा, दोनों का नाम क्या क्या है? मानव एकरा प्रियांश। ये है मानव, वो है प्रियांश। अच्छा, और दोनों में कितना अंतर है? एक महीना 14 दिन का। अब वो भी जाना चाह रहा है उसी के पास। यही चीज होता है, कोई एक आएगा किसी को दे, उसको भी उसी को दे। इसको भी नानी के पास जाना है। दे दो दे दो दे दो। अच्छा, ये भी देखो टोपी खोल रहा है। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और हमारा जो है खाना लग चुका है। मम्मी पापा को भी बुला लेते हैं तो सभी लोग साथ में बैठ करके अपना खाना खाएंगे। और उधर क्रियांश जो है अपना रूम में सोया हुआ है और क्रियांश का जो है सुरक्षा आपको दिखाते हैं। बहुत ही तगड़े लेवल का सुरक्षा में रखा जाता है उसको। तो यहाँ देख सकते हैं क्रियांश सोया हुआ है। इधर है एक पूरा ऊंचाई, एक है उधर, एक है इधर, चार दीवारी के बीच में इसको सुलाया जाता है क्योंकि आजकल ये फुदकता है। हाँ, और एक बार जो है गिर भी चुका है ये। बाप रे भाई साहब, उस दिन के बाद से हम लोग बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए। एक मतलब एक मिनट के लिए नजर से ओझल मतलब हो गया। मुझे लगता है यहाँ से देख के गए खाना देने के लिए। हाँ, तब तक मैं गिर के थे। उस बीच में यहाँ से वो गिर गया, जबकि यहाँ पर कुछ लगा रखा था हमने, तकिया का कवर, तकिया लगा रखा था। तीन तकिया लगा हुआ था यहाँ पे, तकिया जहाँ का तहाँ आया वो यहाँ, सो सकते कितना चोट लगा। तो अब इसको बिल्कुल निगरानी में रखा जाता है, हमेशा हम लोग जो है इसके इर्द गिर्द ही रहते हैं। एक आदमी यहाँ रहता है तो फिर एक आदमी जाता है। बिल्कुल, अभी हम लोग खाना खाएंगे। तो हम लोग का जब खाना हो जाएगा फिर जिया खाना खाएगी, तब तक जिया पहरा में रहेगी। तो आज जिया बनाए हुए तहरी तो हमको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। डैडी बोल रहे थे थोड़ा ज्यादा बनाना, इससे पहले भी बनाई थी तुम, इसके बाद घट गया था। अच्छा, सब्जी है कि नहीं इसके साथ? सारा सब्जी ठीक है, सब्जी रहता है, बढ़िया रहता है, नहीं तो कई बार तुम बस तहरी बना देती। तो सभी का जो है खाना हो चुका है और अभी बज रहे हैं रात के 11 और क्रियांश हमारी गोद में है और क्रियांश जो है अभी सोने के मूड में भी है, खेलने के मूड में भी है, इसलिए ना बेचारा खेल पा रहा है और ना सो पा रहा है। अभी क्रियांश को जो है उसे सुलाने का प्रयास जारी है कि अच्छा है अभी सो जाएगा। इसका क्या होता है कि रात में सो जाता है, फिर 2-2.5 घंटे बाद एक बार उठता जरूर है क्योंकि इसको भूख लग जाती है। और जिया जो है आ गई है हमारा दूध लेकर के। क्या है, और कुछ दवा भी है क्या इसका? क्रियांश का दवाई भी है। अच्छा, दूध देख लिया, क्रियांश को दूध चाहिए। The next day. तो क्रियांश आ गया है जी बाहर, क्रियांश का सोना हो गया है। है क्रियांश, और इसके हाथ में दे दिया है इसका अपना नेचुरल टीथर। अच्छा, दूसरे हाथ में हो गई, ये देख सकते हैं, अपना गाजर खा रहा है, उसी उंगली अपना मुंह में लेते रहता है। तो अच्छा है कि किसी प्लास्टिक जैसा कोई भी चीज़ देने से अच्छा है और अपना उंगली डाले, इससे अच्छा है कि कोई नेचुरल टीथर रहे। तो वही डाल दिए हैं गाजर हाथ में। और यहाँ भाई साहब आए हुए हैं, सारा कनेक्शन इस दीवार से हटा रहे हैं क्योंकि ये दीवार जो है हट जाएगा पार्किंग के लिए, और फिर उसके बाद जब हट जाएगा फिर नया कनेक्शन डाला जाएगा किसी और जगह पोर्टिको के लाइट के लिए। गए है कहाँ अभी? नहीं है। क्या कर रहा है क्रियांश? हाँ, पेंगुइन के साथ गुस्सा जाएगा तुम्हारा पेंगुइन, इतना तुम उसको पीटते हो। हाँ क्रियांश, क्रियांश क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बेटू? अच्छा लग रहा है, पापा को थैंक यू बोलो, पापा ने कारपेट दिलवा दिया आपको। थैंक यू बोलो पापा को, थैंक यू पापा, थैंक यू, क्योंकि मुझे बहुत सारा स्पेस मिल गया घूमने के लिए। इधर आ जाइए, चोट लग जाएगा। ओहो हो, ये वही जाए, वहाँ भी कुछ डालिए, कितना ब्लैंकेट डालिएगा देखिए। तो क्या डाल देते हैं? अभी मुझे पूरा रूम भी ठीक करना है। देख लीजिए ना इसको। क्या भैया क्या चल रहा है? अच्छा स्पेस मिल गया, अच्छा अब ट्रॉली लेगा ये अपना छोटा सा। देख लीजिए। अभी अभी कुछ देर पहले हमने लिया है जी यह कारपेट, तो इस कारपेट पर जो है क्रियांश मजे में घूम रहा है, और ठंडा नहीं लग रहा है बिल्कुल इसमें, बहुत मोटा है ये। तो हम यही देख करके लिए थे कि मोटा है, और स्पेशली क्रियांश के लिए लिया गया है। तो हमारे भाग जाता है बिल्कुल, और हमारे कॉलोनी में जो है बेचने आए थे भाई साहब, तो बहुत सारा दिखा है उसमें से यही हमें पसंद आया। और क्रियांश ये सबसे ज्यादा मोटा दिखा, कितना सारा ट्रॉली है, इसको रखना है, सबको समेटना भी है। बिल्कुल कोई बात नहीं, समटाएगा। वैसे फिलहाल क्रियांश को लेकर के एक चीज है कि यहाँ पर तकिया लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें अपना सर ना मार ले। The next day. अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और क्रियांश को देख सकते हैं
क्रियांश का गुड मॉर्निंग हो चुका है। हाँ, अब ये जाएगा पापा के पास। गुड मॉर्निंग राधे राधे। पापा पास जाएगा तो ये सुबह उठ जाता है और जो नहीं उठा रहता है ना उसके नाक में ऐसे से उंगली करता है और फिर उठ जाता है। इसके पापा को देख सकते हैं इधर सोया है उधर घूम के ताकि नाक में उंगली ना कर पाए ना। तो भाई पापा तुम डर गए। हाँ उधर घूम के छोए बेटू परेशान ना कर पाए। बोलो पापा उठ जाओ, मैं परेशान नहीं करूंगा, मुझे खेलना है आपके पास। तब इसको नीचे दे के आते हैं। चलो बाबा पाच पापा को छोड़ दो, छोने दो। जय जय राधे राधे। हाँ राधे 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 करो राधे 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 राधे। कल के दिखाओ सबको राधे राधे। कल दो राधे राधे चुपो चुपो। शर्मा गया थोड़ा सा करके फिर नहीं कर रहा है। उठ गए हम लोग, अब जा रहे हैं बाबा पाच। दवाई पी लो तब जाना, बाबा नहीं तो पीटी पीटी करेंगे। अब भाग गए देख। बबूलाल फल खाएगा? बुरा हाथ मार दिया बाप। चल चल देखता दहन अति देखी तो डर ये नहीं खा गए, इसमें बहुत ठंडा है। लड़ रहा है दादी से, रो रहा है। नहीं दिए जो दे रहे बाबा देंगे बाबा। बाप ठंडा लग गया। चुप रखो। काजल मिला तुमको? कौन दिया बाबा? फिर भी नजर आपके के ऊपर। काजल खा लियो, खा लो। प्रियांश चला गया नीचे दादी के पास, तो अब हम लोगों को जो भी काम है फटाफट काम करना होगा, फिर वो एक घंटे बाद जाएगा ऊपर। और इधर प्रियांश के पापा सो रहे हैं। और जाइए अब 8:30 बज गया। One hour later. तो क्रियांश जो है दादा दादी के पास से आ गया है हमारे पास और यहाँ पर जो है अपना तबाही मचा रहा है। इसको बेड पर जो है इधर उधर घूमना है, कुछ सामान इसको मिल जाता है बेड में पता नहीं कहाँ से, हम लोग का नजर भी नहीं रहता है। तो इसको एक बोतल मिल गया था एकदम कॉर्नर में घुसा हुआ है, तो उसको निकालने के पीछे लगा हुआ था पूरा जोर और डर लग रहा था कि ये जो है गिर ना जाए क्योंकि जिस तरीके से इधर उधर फुदक रहा है ये। तो हम बैठे हुए इसके पहरा में, तो इसकी मम्मी जो है जब आएगी तब वो इसको लेगी, फिर उसके बाद जो है हम जाएंगे अपना काम करेंगे सुबह का जो क्रिया होता है। ओए क्रियांश क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन है वो, कौन है कैमरे में बताओ? ये कौन है? पहचान गया कि हम ही है, तुम ही है? नहीं ये तुम है ना। ये तुम है। ओए इसको मेरा ये मिल गया है जो हुड का नारा होता है, उसको आराम से खा रहा है ये, है ना? बहुत टेस्टी है ना ये। Nice. बहुत टेस्टी है ये। तो इधर देख सकते हैं, इधर हम छुपा के रखे थे रात में ये बॉटल को और इसे ढूंढ निकाला क्रियांश। ये देखो डांस कर रहा है। ये क्रियांश, ये करो। अब नहीं करेगा। देखे क्या हाय 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 हाय। ये का मतलब इसका ये होता है, ये का मतलब होता है पापा के पेट पर कूदो, पापा के पेट पर कूदो। राधे राधे क्रियांश, राधे 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 करके दिखा। देखे क्या ना, राधे राधे करके दिखा, राधे राधे करके दिखा, तो तू करके दिखा, राधे राधे करके दिखा। जब बोलेगी नहीं करेगा। हाँ किया, कभी कभी करता है। राधे 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 करो। पापा पास छुपे गए। A few moments later. क्रियांश का हम लोग जो है बेड लगा करके गए हुए थे और क्रियांश जो है यहाँ पर सो रहा था, और जब आए देखने के लिए कि क्रियांश जगा है कि सो रहा है, तो क्रियांश उठ के आराम से तैयार था इधर। है क्रियांश? ओए उठ गया तुम, हो गया नींद पूरा? नींद पूरा उठना है तुम्हें। चढ़ेगा क्या इस पर? चढ़ाई करता है क्रियांश? क्रियांश चढ़ाई करेगा इस पे। अब मोजा इसको पहनाया जाएगा, अब उस पे शोर मचाएगा ये। इसके लिए देख सकते हैं एक पूरा पन्नी मोजा रखा गया है, एक पन्नी और है। इसमें से क्या होता है, कोई एक मोजा जो है खो देता है तो दो रंग का मोजा पहनाते हैं। क्या करेंगे, एक जोड़ी नहीं पहनाते इसको, दो तीन जोड़ी मोजा, क्योंकि ये खोलते रहता है अपना मोजा। कितना खोलेगा? खोल है, मोबाइल पकड़ेगा तुम, तू मोबाइल पकड़ेगा। ये देखिए उसको मोजा पहनाया जा रहा है, इसी बात का दुख हो गया बेचारे को। अब जो है क्रियांश को ग्लव्स पहनाया जा रहा है क्योंकि बाहर बहुत ठंड है क्रियांश। एक और खाने का चीज मिल जाएगा। बिल्कुल, इसको भी खाना ही है, कोई उसे फायदा है नहीं पहनाने का, इसको भी गीला ही कर देगा ये। क्रियांश ग्लव्स पहनना भी तुमको, ये देखो ये देख रहा है अपना ग्लव्स। मैंने न्यू ग्लव्स पहना है ना क्रियांश।
तो जिया चली गई है जी बाहर। हम तो सोच रहे थे कि जिया के साथ ही इस टॉपिक पर बात करें, लेकिन क्रियांश जो है थोड़ी सी शैतानी कर रहा था, इसलिए जो है पॉसिबल नहीं था क्रियांश के साथ और जिया को साथ में रखते हुए वीडियो को शूट करना। तो चलिए हम ही बात करते हैं। तो बात करते हैं जी लास्ट ब्लॉग के बारे में। जब हमने लास्ट ब्लॉग डाला था, हमने सोचा था कि एक अच्छा मैसेज जाएगा और लोग जो है इंस्पायर होंगे इस चीज को करने को लेकर के। जी जिन्होंने भी लास्ट ब्लॉग नहीं देखा तो उनको बता दें, जी लास्ट ब्लॉग हमने डाला था चैरिटी को लेकर। भरी ठंड में जो है हम लोग जो है जो भी सड़क पर सोते हैं, जो भी फुटपाथ पर सोते हैं, तो उन सबको जाकर के जो है हम लोग कंबल डोनेट कर रहे थे। जो भी रेलवे स्टेशन सब पर थे, ढूंढ ढूंढ कर हम लोग कंबल डोनेट कर रहे थे। तो उसी को हमने जो है रिकॉर्ड किया था और हमने डाला, तो उसको लेकर के जो है काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स के साथ साथ जो है कुछ लोगों का, बहुत ही कम परसेंट है उन लोगों का, जो हेट फैला रहे थे, तरह तरह की बात कर रहे थे। कोई कह रहे थे कि आप जो है दिखावा कर रहे हो, दिखावा करने के लिए वीडियो डाल रहे हो, आप जो है कंबल ही डोनेट क्यों कर रहे हो, आपको ये डोनेट करना चाहिए था, आपको वो डोनेट करना चाहिए था। मतलब डोनेशन भी कर रहे थे तो उसमें कह रहे थे कि यह काफी नहीं है, आपको वो करना चाहिए था। एक एक करके सभी पर बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी बात क्या लगी कि जो लोग कह रहे थे कि आपको ये डोनेट नहीं करना चाहिए था, वह डोनेट करना चाहिए था, मतलब कि उनको उम्मीद है कि हम डोनेशन कर सकते हैं। तो अच्छा लगा जी आपकी इस उम्मीद के लिए, आपके इस भरोसे के लिए, आपके भरोसे के लिए शुक्रिया। तो हम कोशिश करेंगे जी कि हमसे जितना बन पड़ेगा हम जरूर चैरिटी करेंगे और भगवान हमको सामर्थ्य देंगे ज्यादा, जितना हैसियत देंगे। अभी जितनी हैसियत है अपनी हैसियत के हिसाब से करते हैं, आगे भगवान और हैसियत देंगे तो उस हैसियत के हिसाब से चैरिटी करेंगे। बाकी दूसरी बात आई जी दिखावा की, तो हमारा कोई भी मकसद नहीं था जी दिखावा करने का। अगर हमें दिखावा करना होता तो हम हर महीने और हर कुछ दिन पर कुछ ना कुछ चैरिटी कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम डोनेट कर रहे होते हैं, तो उसका भी ब्लॉग बना करके डाल सकते थे, लेकिन हम नहीं डालते हैं। वह हमारा बस मकसद यह था कि अपना एक मेमोरी को कैप्चर करना, क्योंकि यह नया साल था और नया साल में चाह रहे थे कि कुछ एक अच्छा वीडियो डाले और एक अच्छे मोटिव के साथ हम डाले, तो इसीलिए हमने वह वीडियो डाला था। हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं था दिखावा करने का। तो जो भी ऐसा सोच रहे थे कि हम दिखावा करने के लिए वीडियो डाले, तो प्लीज अपनी सोच को सुधार लीजिए, हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था। और बाकी जी बात आती है दिखावा पर, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार दिखावा को लेकर के ही बातचीत थोड़ी होनी चाहिए। आज हम जानते हैं कि रतन टाटा जो है अपने इनकम का इतना परसेंट जो है चैरिटी में दे देते हैं, तो रतन टाटा अगर यहाँ नहीं बताए होते तो हमें कैसे पता चलता कि रतन टाटा इस तरह का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करके ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सोनू सूद जो हमारे एक्टर हैं, तो सोनू सूद जो चैरिटी का काम करते हैं, अगर सोनू सूद लोगों को नहीं बताए होते कि वह इस तरह का काम करते हैं, तो हमें कैसे पता चलता कि हाँ सोनू सूद जो है कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, और हमें कैसे इंस्पिरेशन मिलता। हमारा इंस्पिरेशन इसी तरह के कुछ लोग है, इसी तरह के कुछ बड़े लोग हैं जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के वो लोग अपने लेवल पर कर रहे हैं, हम अपने लेवल पर चैरिटी कर रहे हैं। हर चीज को जो है गलत एंगल से नहीं देखना चाहिए कि दिखावा ही किया जा रहा है। कुछ चीज अगर दिखाया जा रहा है तो उसके पीछे कुछ मकसद भी होता है। जो लोग जिस तरह के होते हैं उनकी सोच भी उस तरह की होती है, तो उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं जी। देखिए बात क्या है कि पहले जब हम वीडियो डालते थे तो हमें ध्यान है कि जब भी गाड़ी लिए, घर में कोई भी प्रोग्रेस का काम कर रहे होते थे, तो कमेंट आता था कि तुम लोग इतना ज्यादा कमाते हो, गरीब को थोड़ा सा दान भी कर दिए होते। आज तक तो नहीं देखा कि तुम लोगों ने गरीब को दान किया है। तो लीजिए जी दान करने का एक वीडियो डाल दिया तो फिर कहते हैं तुम दिखावा करते हो, अब क्या किया जाए। तो घुमा फिरा करके कंक्लूजन यही निकलता है कि अपने आप को जो सही लगे, अपने अंतरात्मा को जो सही लगे तो वही करना चाहिए, क्योंकि बोलने वाले बोलते रहेंगे। जब कुछ भी वीडियो नहीं डाला चैरिटी का तो कह रहे थे कि तुम लोग चैरिटी करते ही नहीं हो, और आज जब वीडियो डाल दिया चैरिटी का तो कह रहे हैं कि दिखावा करते हो। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यह हमेशा चलता रहेगा। तो बस आप लोग आशीर्वाद देते रहिए, प्यार देते रहिए, आप लोग इस तरह से हौसला बढ़ाते रहिए, तो इसी तरह से हम जो है वीडियो डालते रहेंगे, चैरिटी करते रहेंगे। तो इस ब्लॉग को इसी के साथ यहीं पर खत्म करते हैं। बाय।